हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोइट्रेज क्राफ्टी कैसल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चार बहुत ही बढ़िया बॉटल डेकोरेशन आइडियाज़, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बॉटल डेकोरेशन के लिए मैं इस टाइप का एक बॉटल को ले रही हूँ। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। और अभी मैं इसमें जैसो का एक कोट में लगा रही हूँ। ये होममेड जैसो है। बॉटल के ऊपर जैसो लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉटल का सरफेस बहुत स्मूथ होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी पेंट अच्छे से बैठता नहीं है अगर आप इसको पहले प्राइम नहीं करेंगे। तो इसके ब्रश स्ट्रोक्स को हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पंज से भी इसमें डैब कर दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल पुट्टी पाउडर ले रही हूँ और अभी इसमें मैं व्हाइट ग्लू और पानी मिला के एक घोल जैसा बना लूँगी। एक रनी कंसिस्टेंसी का घोल मैं यहाँ पे बनाऊँगी और कोशिश कीजिए कि इसमें कोई भी लंप ना रहे। तो इस टाइप का एक घोल मैंने यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पुराना एक फैब्रिक ले रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं लेकिन कॉटन हो तो सबसे अच्छा, सिंथेटिक फैब्रिक आप अवॉइड कीजिएगा। और इसको अभी मैं इस घोल में इस टाइप से डिप कर दूंगी। तो अच्छे से घोल को इस फैब्रिक के ऊपर लगा लेना है। और जो बॉटल पर मैंने जैसो लगा के रखा था वो भी अभी सूख गया है। अभी इस फैब्रिक को मैं इस बॉटल के ऊपर रैप करूंगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा मैसी है इसीलिए आप फ्लोर में कीजिए इसको, और इस टाइप से बॉटल के ऊपर इसको रैप करते जाना है। फैब्रिक के फोल को आप किस टाइप से रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रैप करते जाना है। और ये प्रोसेस थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि एक बार सूख जाने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप से मैंने सारे फैब्रिक को यहाँ पे लपेट लिया है। अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल मैं स्क्रीन में दे दूंगी। और बॉटल के ऊपर की तरफ भी मैं एक फैब्रिक को लगाऊंगी, इससे एक टर्बन जैसा लुक आएगा। अभी मैं इसको धूप में अच्छे से सूखने के लिए रख दूंगी। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा उसके ऊपर मैं और एक कोट लगाने वाली हूँ वॉल पुट्टी और ग्लू मिक्सचर का। तो जैसे मैंने पहले घोल बनाया था उसी टाइप का मैंने थोड़ा सा ठीक घोल बना लिया है और इसके ऊपर मैंने और एक कोट इसका कर दिया है। अभी इसको मैं अच्छे से सूखने के लिए रख दूंगी। इसको अच्छे से सुखाने के लिए एक दिन तो आपको रखना पड़ेगा। और जब ये अच्छे से सूख गया तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लैक कलर से इसको पेंट कर लूँगी, और जब ब्लैक कलर अच्छे से सूख जाएगा उसके ऊपर मैं एक मेटलिक कलर से इसको पेंट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे क्या शेड यूज़ किया है स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूँगी। एक स्पंज की मदद से मैं इस टाइप से यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रही हूँ, और एक टील मेटलिक कलर से भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शेडिंग किया है, और एंड में मैंने लिटिल बर्डी का मेटलिक गोल्डन वैक्स से हाईलाइट कर दिया है। और ये जो थोड़ा बहुत गोल्डन कलर ब्लैक में लग गया है उसको बाद में मैं ब्लैक कलर से कवर कर दूंगी। और ये जब अच्छे से सूख जाएगा इसके ऊपर आपको एक कोट वार्निश का लगाना है। मैंने अभी तक वार्निश नहीं लगाया है लेकिन बाद में मैं इसमें एक कोट वार्निश का लगा दूंगी। और शुरू में मैं जो मोती का माला बना रही थी इसको भी मैं यहाँ पे इसको पहना दे रही हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट बॉटल आर्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिल्वर फॉइल, और इसको मैं इस टाइप से रोल करके एक टाइट बॉल में बना लूँगी। और फिर से मैंने एक बॉटल को जैसो लगा के रख दिया था, सेम टाइप का बॉटल का ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और जो सिल्वर फॉइल का मैंने बॉल बनाया था उसको मैं हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पे अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ करने वाली हूँ। तो इस टाइप से मैंने थोड़ा सा मोल्डेड क्ले ले लिया है और इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए इस बॉटल के ऊपर इस टाइप से लगा लूँगी। तो थोड़ा सा हाथों से इस टाइप से आपको प्रेस करते जाना है, और इसके जो एज है इसको थोड़ा सा पानी लगा के मैं इस टाइप से मिला दे रही हूँ। अभी इसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ वो मैंने पिंटरेस्ट में देखा था। इसका ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन जिन्होंने भी बनाया है बहुत ही सुंदर बनाया है। इस पर मैंने थोड़ा अपना भी इम्प्रोवाइजेशन किया है,
तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। तो इस टाइप से मैंने एयर ड्राई क्ले को इस बॉटल में लगा लिया है। अभी मैं इसको एक दूसरा एंगल से आपको दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने इस बॉटल को एक पेपर के ऊपर रख लिया है सो दैट मैं इसको बनाते वक्त इजीली घुमा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक इंसान का शेप दे रही हूँ जो अपने पैरों को फोल्ड करके बैठा हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्ले को इस टाइप से घुमाते हुए लगा लिया है। और अभी मैं इसके दोनों बाजू को भी उसी टाइप से बना लूंगी। अभी तक अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। अभी क्ले वाला पार्ट जब अच्छे से सूख जाएगा तब इसके ऊपर मैं एक कोट जैसो का लगा रही हूँ। एयर ड्राई क्ले में जैसो लगाने से कलर अच्छे से बैठता है। और जैसो सूख जाने के बाद इस पूरे बॉटल को मैं ब्लैक कलर से पेंट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पेंट का ही यूज़ किया है। इसको अभी आप ऐसे भी सजा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा इसमें मैं थोड़ा सा मेटलिक कलर से पेंट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन मेटलिक कलर से पेंट कर लिया है और उसके बाजू और पैरों को मैं गोल्डन एक्रेलिक कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ। और ये कलर जब अच्छे से सूख जाएगा तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश का भी करना है। मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि अभी अभी मेरा पेंट करके हुआ है, मैं एक दो दिन के बाद इसमें वार्निश लगा दूंगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। थर्ड बॉटल डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे एक वेडिंग कार्ड यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी हार्ड पेपर यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। फिर मैं और एक छोटा सर्कल ड्रॉ करूँगी बॉटल की कैप की मदद से और इसको भी अभी कट कर लेना है। फिर से मैं जैसो लगाया हुआ एक बॉटल को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इस बार मैं इसके कैप को भी यूज़ कर रही हूँ। अभी जो मैंने पेपर को कट किया था उस पेपर को इस बॉटल के ऊपर फिक्स करना है। मैं ग्लू से इस टाइप से यहाँ पे इसको फिक्स कर दे रही हूँ। हॉट ग्लू की मदद से अभी मैं इस बॉटल के कैप के ऊपर जूट रोप को लगाऊंगी। जो कैप वाला पोर्शन है वहाँ पे मैंने हॉट ग्लू गन का यूज़ किया है, लेकिन नीचे के पोर्शन में जूट रोप को मैंने फेविकॉल ग्लू से चिपकाया है। तो इस टाइप से यहाँ पे एक हैट बन गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा मोल्डेड क्ले से कुछ डिटेलिंग ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक नाक बना दे रही हूँ और थोड़ा सा मोस्टेस भी यहाँ पे मैं बना रही हूँ और एक निडल की मदद से मैं यहाँ पे डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ कट मिरर्स और मोल्डेड क्ले की मदद से इन मिरर्स को मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी। मिरर के साइज को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा क्ले को इस टाइप से लगा लिया है और थोड़ा क्ले से मैं यहाँ पे डिटेलिंग ऐड कर दे रही हूँ। और क्ले सूखने के बाद क्ले वाले पोर्शन में मैंने फिर से जैसो लगा लिया है और उसके बाद मैंने इसको फटाफट से पेंट कर लिया। एक लाइट ब्राउन कलर से मैंने इसके फेस को पेंट कर लिया है और एक डार्क ब्राउन कलर को मैंने थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट कर लिया है और जूट रोप के ऊपर मैं इसी से पेंट कर रही हूँ। जूट रोप को जब भी आप पेंट करोगे कलर को हमेशा थोड़ा सा डाइल्यूट कर दीजिए। और बाकी के डिटेलिंग को भी मैं फटाफट से कलर कर लूँगी। और अभी ये रहा इसका फाइनल लुक। आज का लास्ट DIY को बनाने के लिए मैं इस टाइप का एक ग्लास बॉटल को ले रही हूँ और अभी इसके ऊपर मैं वॉल पुट्टी और ग्लू से बनाया हुआ होममेड जैसो का एक कोट लगा लूंगी। नेक्स्ट मैंने एयर ड्राई क्ले को यूज़ करके इस टाइप का एक प्लेट जैसा मैंने बनाया था, इसका क्लिप अभी मेरे पास नहीं है, और इसके ऊपर भी मैं जैसो का एक कोट करके रखी हूँ। अभी ये बॉटल भी अच्छे से सूख गया है। नेक्स्ट इस बॉटल के ऊपर भी मैं मोल्डेड क्ले को ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस टाइप से मैंने थोड़ा सा क्ले को राउंड शेप देके यहाँ पे मैंने चिपका लिया है और जो क्ले का प्लेट मैंने बनाया था उसको भी इस बॉटल के ऊपर मैं मोल्डेड क्ले की मदद से ही चिपका रही हूँ।
अभी मैं फटाफट से और थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और क्ले जब अच्छे से सूख जाएगा तो उसके ऊपर भी मैंने जैसो का एक कोट कर लिया है, और अभी फटाफट से मैं इसको पेंट कर लूंगी। व्हाइट के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिला के मैंने इस ग्रे कलर को बनाया है। यहाँ पे मैं सभी एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है, और बाकी कलर्स के नाम मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। और कलर अच्छे से सूख जाने के बाद इसके ऊपर मैं वर्निश का भी एक कोट लगाऊंगी। आज मैंने किसी में भी वर्निश लगा के आपको नहीं दिखाया है क्योंकि अभी तक कलर अच्छे से सूखा नहीं है, लेकिन कलर सूख जाने के बाद वर्निश लगाना ज़रूरी है। आज का ये चारों बॉटल आर्ट आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और आज का वीडियो का फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा प्लीज़। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने घर को सजाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।